लेट्स गो, ये क्या प्यारी ड्रिफ्ट मारी है भाई, लेट्स गो। और चल के वहां पर भी मचाते हैं तो भाई, ये ड्रिफ्ट के साथ शुरुआत। और आज भी मौसम काफी ज्यादा सही हो रहा है। Yo, what's up guys? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Forza Horizon 5, world's best super realistic high graphic game with racing simulator. यानी कि full realistic feel आने वाली आज तो, क्योंकि गाड़ी में race देने के लिए मेरे पास paddle है और गाड़ी की gear change करने के लिए मेरे पास shifter है, plus गाड़ी को right left control करने के लिए मेरे पास ये मस्त steering wheel है, वो भी एक super car का। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं game में और मचा देते हैं तबाही। Alright guys, welcome to Forza Horizon 5. तो ये जो कार आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये है शेवरलेट की कॉर्वेट, जो कि सच्ची में बहुत ज्यादा प्यारी कार है। और रिसेंटली मैं इस कार से ना एक रेस जीता हूँ। खैर ठीक है, अभी ना बहुत सारे रेसिंग टूर्नामेंट चल रहे हैं, लेट्स गो, फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं वहां पे। और आज यार मौसम सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया हो रहा है। ये देखो, जैसे भी मेरी कार ना वन पे है, मतलब प्रॉपर जो मैनुअल कार्स होती है ना रियल लाइफ में, कुछ ऐसी है। अब मैं रेस दे रहा हूँ, मेरी गाड़ी 37 पे अटक गई, यहाँ से मैंने गियर बढ़ाई, अब मेरी कार ऊपर जाएगी, फिर अटक गई, फिर जैसे जैसे गियर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कार की स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि मैंने ना प्रॉपर ड्रिफ्टिंग वगैरह भी सीख लिया स्टेयरिंग से, रियल लाइफ में नहीं आती, बट मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ सीख ली तो शायद मैं रियल लाइफ में भी कर पाऊंगा। बट यार रिस्क है तो इसे थोड़ा तमीज में ट्राई करेंगे। लेट्स गो, ये क्या प्यारी ड्रिफ्ट मारी है भाई, लेट्स गो। कुछ इसी टाइप की भी ड्राइविंग मेरी हो चुकी है यहाँ पर स्टेयरिंग से। अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से मोड़ता हूँ। ओह भाई, आ तो गई है भाई गाड़ी चलानी। बाकी हाँ, अगर मैं इस वाले एंगल में चलाऊंगा तो एक नेक्स्ट लेवल फील भी है और प्लस और ज़्यादा रियलिस्टिक फील है और डिफ़िकल्टी भी थोड़ी सी ज़्यादा है अगर मेरे को ड्रिफ्टिंग वगैरह करनी हो तो। बट यार ऐसा भी कुछ खास नहीं है, मैं अभी भी अपनी गाड़ी को एकदम ईजिली चला पा रहा हूँ, किसी को ओवरटेक भी कर पा रहा हूँ, टर्न्स आ रहे हैं उसको भी अच्छे से ले रहा हूँ। लेट्स गो, कुछ हार्ड नहीं है भाई। और ये देखो बगल में जा रही है हमारी महिंद्रा थार, मतलब ये बाहर के देश की थार है ना, जीप। लेट्स गो। तो अभी ना मैंने अपनी शायद से ज़्यादा ही तारीफ कर ली है, तो मेरी असली परफॉर्मेंस पता चलने वाली है कि रेस में। लेट्स गो, इसलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट से चलते हैं रेस करने के लिए। बट यार क्या करूँ, मन ही नहीं कर रहा है कहीं जाने का, बस इतने ज़्यादा प्यारे नज़ारे हैं, मन तो कर रहा है बस यहीं पर ऐसे गाड़ी चलाते रहो, फुल स्पीड में भगाओ, ड्रिफ्टें मारो। जैसे सामने कट आ रहा है, मैं इस कट को नहीं मिस करूँगा। छोटी सी ड्रिफ्ट थी बट ठीक थी, कुछ एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और ड्रिफ्ट भी सही चली गई। पता सीन क्या है, मेरी जो कार है ना, मैंने जैसा कि भी बताया ये लैम्बो वगैरह से फास्ट नहीं है, तो जब भी किसी महंगी कार से रेस होती है या फिर किसी रेस में कोई महंगी कार आ जाती है ना, तो नाक कट जाती है। लुक वाइज हम लोग जीत जाते हैं बट यार स्पीड वगैरह के मामले में फीकी पड़ जाती है। इसलिए मेरा प्लान ये है कि हम लोग खूब सारी रेस करते हैं, उन्हें जीतते हैं इस कार से फिलहाल के लिए, फिर उसके बाद हम लोग भी लैम्बोर्गिनी, बुगाटी तो खैर बहुत ज़्यादा आगे की बात है। हाँ, तो मतलब इस टाइप की महंगी महंगी कार्स हम लोग भी अनलॉक करेंगे, क्योंकि यार इसकी टॉप स्पीड, वैसे ये जो स्पीड आ रही है ना, ये बाय द वे किलोमीटर पर आ रही है, ये माइल्स पर आ रहा है, तो मतलब इसे किलोमीटर से कंपेयर मत करना। इस गाड़ी की स्पीड भी 200 अराउंड पहुँच जाती है। बाकी ये ड्राइविंग तो फुल आ गई है, लेट्स गो आगे। आउट ऑफ कंट्रोल, यही डर रहता है इसमें कभी कभार। बाकी इसको चलाने का जो फील है ना, वो बहुत ज़्यादा मस्त है। बट यार मुझे ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि जब तक फरारी या फिर बुगाटी वगैरह नहीं आ जाएगी तब तक यार उतना मज़ा नहीं आने वाला। बट फिलहाल के लिए ये कार ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कंट्रोलिंग की, तो शायद मेरा हाथ अभी कंट्रोलिंग पे बहुत अच्छे से बैठ गया है, और हो सकता है इसके पीछे का रीज़न ये भी हो कि यहाँ पर अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। कुछ नहीं हुआ, मस्ती में कैमरे में देखने के चक्कर में भी बैंड बज जाती। बट ठीक है, आराम से हमने अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल ली है। और जो सामने दिखा रहा है ना डेस्टिनेशन 500 यार्ड्स पे, वही है अपना मेन पोल। ओ भाई, ये लैम्बोर्गिनी वाले बंदे गलत ही चलाते रहे थे यार, इनसे थोड़ा बहुत बच के रहना चाहिए। क्या ठीक है, बाकी ये मैक्सिको सिटी है और ये शायद से उसी सिटी का कोई प्यारा सा छोटा सा टाउन है, जहाँ पर अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ। यार इधर कितनी ज़्यादा शांति है, कोई भीड़ भाड़ ही नहीं है। हेलो, यहाँ कोई रहता भी है कि बस घर बने हुए हैं? पता नहीं यार, उनको देखने में लग तो नहीं रहा यहाँ पर कोई रहता है। बट यार हमने पहले गेम, वो रहते हैं लोग, क्योंकि गाने वगैरह चल रहे हैं यहाँ पर, मार्केट है, ये खड़े लोग। हेलो, तारीफ वारीफ कर दो भाई गाड़ी की। गाइस बंदे ना छतों से देखो तालियां बजा रहे हैं। ये अच्छी लगी ना गाड़ी, सही है, चलो ओके। तो अभी ना फिलहाल मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ एक जगह पर ना, अपना रेस है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे रेस होते रहते हैं। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा रेस खेलना है, 1v1, 4v4, 10v10, दिन का रेस, रात का रेस, जो भी मेरे को खेलना है मैं वो खेल सकता हूँ। लेट्स गो, फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं फुल स्पीड में किसी नियर बाय रेस इवेंट में, और चल के वहाँ पर भी मचाते हैं तो भाई, ये
ड्रिफ्ट के साथ शुरुआत और आज भी मौसम काफी ज्यादा सही हो रहा है और अभी लगने वाली एक ड्रिफ्ट। यह लेट्स गो, बर्नआउट होने लग गया। ठीक है, फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं फुल स्पीड में भगा के उस रेस इवेंट पे पहुंचने वाला हूँ। वेल, तो अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर रेस ट्रैक पे भी आ चुका हूँ और एक बार आप लोग इसकी लुक यहाँ पर आने के बाद देखो। ऑलराइट गाइस, तो ये अराउंड 7 miles का एक स्ट्रेट रेस होने वाला है जिसमें बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी कार्स आई हुई है। यहाँ पे नॉर्मल कार्स है, स्पोर्ट्स कार्स है, SUV कार्स है और भी बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के व्हीकल्स हैं और हम लोग इनकी तो स्टार्टिंग में ही बैंड बजाने वाले हैं। 12 रेसर्स हैं और अपनी रैंक 7 चल रही है। कितनी ज्यादा अच्छी वाली बात है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 lap का रेस है, हम लोग इजिली इन सभी लोगों को पीछे करने वाले हैं अगर कोई चेक पॉइंट मिस ना हो, कहीं पर अपना एक्सीडेंट ना हो तो। बाकी आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब गाड़ी 6th गियर तक जा सकती है तो सीधा गाड़ी को तो सीधा गाड़ी को 6th गियर पे क्यों नहीं ले जाते। तो उसके पीछे का रीजन मेरे भाई यही है कि गाड़ी जितनी ज्यादा हाई गियर पे रहेगी ना, उसे टर्न करने में उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। मतलब हाई गियर पे जाती गाड़ी ना मुड़ना बहुत कम देती है, मतलब बहुत धीरे धीरे मुड़ती है, इसलिए डाउन गियर पे चलाना मस्त रहता है। लेट्स गो गाड़ी राइड। ये बहुत सही एरिया, मैं अपनी गाड़ी को एटलीस्ट 5th गियर पे यहाँ पे ले जा सकता हूँ अगर कोई टर्न ना आए तो। डन, गाड़ी गई 5th पे और इसी के साथ ये ओवरटेक होने वाले हैं। भाई साहब, ये दोनों लोग तो पीछे होने का नाम ही ले रहे हैं, बट या ये काफी ज्यादा सही मौका है और फाइनली मैंने एक और बंदे को ओवरटेक कर दिया है। अब बारी है इस ऑडी वाले की, इसको ओवरटेक करते ही मैं 9th पोजीशन पे आ जाऊंगा। बट यार उसकी गाड़ी मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है। लेट्स गो। ओके डन, अभी बस यहाँ से एक अच्छी टर्निंग देनी है। लेट्स गो, यहाँ से प्यारा वाला लेफ्ट मोड़ना है। 6th रैंक आ चुकी है और थोड़ा सा गेम पे फोकस करता हूँ। आई थिंक मैं फर्स्ट तो नहीं आ पाऊंगा बट एटलीस्ट 3rd या 2nd तो मैं आके रहूंगा। बट यार मुझे लग नहीं रहा क्योंकि सच्ची में ये लोग भाई पीछे होने का नाम नहीं ले रहे। इसको टाइम आ चुका है ओवरटेक करने का। मेरे को 6th गियर डाल देनी चाहिए या फिर 5th पे रहूं, क्योंकि अगर आगे अचानक से कोई शार्प कट आया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये था ना, अगर हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो फिर 6th गियर पे आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। मैं आ चुका हूँ 6th गियर पे, बट बहुत ज़्यादा ना संभाल के चलानी है क्योंकि गाड़ी में हल्की सी भी टर्निंग इस टाइम पे एक बहुत भारी नुकसान कर सकती है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार से चलाने वाला हूँ अपनी गाड़ी को, बिल्कुल प्यार से मुझे यहाँ पर टर्निंग करनी है एंड थोड़ा बहुत नहीं गियर में डाउन नहीं करने वाला यार, गियर डाउन करने के चक्कर में एक्सीडेंट होगा। क्या गाइस यार, मैं खाली पीली का टेंशन ले रहा हूँ। ये लोग मुझे मैप में दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा मस्ती नहीं करनी। अभी जो कट्स हैं वो काफी ज्यादा शानदार आ रहे हैं, तो चुपचाप आराम से टर्न करते हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ अपना रेस जो है कम्प्लीट होने वाला है। एकदम मस्त तरीके से मैंने रेस एंड करा है। ओ भाई साहब, एंड होते होते अभी बैंड बजने वाली थी, बट है ठीक है। नेक्स्ट रेस तो हम लोग किसी हाइपर कार से खेलने वाले हैं क्योंकि अभी ना यहाँ पर छोटी मोटी रेस ही मेरे लिए अवेलेबल है, कॉज मेरे पास कोई बड़ी बहुत ज्यादा सुपर फास्ट कार नहीं है। अब वो कार तब लोग होगी जब मैं छोटी मोटी रेस को खेल के बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, तो तभी हम लोग बड़े रेस के टूर्नामेंट खेल पाएंगे। खैर, आज के वाले एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट में पक्का मैं मिलूंगा एक नई सुपर कार के साथ। बाकी आई होप आपको आज की वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शुरू को जाके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना आपको बेस्ट रेस कौन सी लगी और गाड़ी की पेंट और मॉडिफिकेशन कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।